से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन है भाग्य हमारे, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खिदमतगार हैं हम जो पाते तेरा प्यार है, सौभाग्यशाली बच्चे हम तेरे गले का हार है। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा, बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। आज बाबा के 27 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने अपने सच्चे बच्चों को विशेष याद किया है। और बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, कभी कुछ छिपाते नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो बाबा उन बच्चों की रक्षा करते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, छिपाते क्यों हैं, क्योंकि इज्जत का डर रहता है। सोचते हैं हमसे ये गलती हो गई, माया ने ये पाप कर्म करा लिया, अब बाबा को बताएंगे या परिवार को पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे, इसलिए झूठ बोलते हैं या छिपाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर बाबा की मदद लेनी है, बाबा की छत्र छाया में रहना है, बाबा की रक्षा लेनी है, तो बाबा से सच्चाई से चलना है।
तो सुनते हैं आज बाबा के 27 अप्रैल 2022 के साकार अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? तो बाबा ने कहा, जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती, माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। दुनिया में भी कहा जाता है ना, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुँह काला। तो जो सच्चे हैं उनको उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है, और जो झूठे हैं उनके लिए सजा कायम हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? तो बाबा ने कहा, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना, मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने यह निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती, फिर वहाँ से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, यह सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे, ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते हैं। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहते हैं, मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व ना सुने। बाबा तो श्रीमत दे रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप लेना है वो सुनते हैं। बाबा कहते, वह तो अपने लिए ही फायदा अथवा नुकसान करते हैं, नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी तरह समझाते हैं, अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है, यह है रूहानी बाप की बात।
बच्चे समझते हैं जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु यह नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं। समझते हैं वह सदैव पुण्य आत्माएं हैं, देवी देवताओं के लिए लोग ऐसा समझते हैं ना, लेकिन बाबा कहते जन्म लेते लेते देवता सभी कहाँ पर आ गए, संगम युग पर ब्राह्मण बन गए, और वो लोग क्या समझते हैं कि ये सदैव पुण्य आत्माएं ही हैं, कभी ये नीचे कलयुग में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं, 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं, पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा हैं तो बाप को याद करने की दरकार नहीं। अब यह सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे, बच्चे सर्विस करते हैं। मनुष्य तो इस समय असुर बन जाते हैं, इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इस बात पर है, हैं, ईश्वर को सिद्ध करना, गीता के भगवान को सिद्ध करना, परमात्मा के अस्तित्व को, उसके धाम को सिद्ध करना। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, उनको देवता कहा जाता है। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। भल प्रजा पिता भी कहते हैं लेकिन वह तो साकार है। यह सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं, परंतु कई बच्चे ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पढ़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु ना समझने के कारण जंगल में जाकर पढ़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं, यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं हैं, बीच में रह जाते हैं, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए, त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हो गया ना, इसलिए बाबा उसको क्या कहते हैं, सैमी स्वर्ग हैं। सूर्यवंशी से कहाँ आ गए, चंद्रवंशी में दो कलाएं कम हो गई हैं। अभी तुम हो संगम पर, बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल त्रेता को याद करो, त्रेता को थोड़ी नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक ना पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने पूरा इम्तहान पास किया है वही करेंगे। त्रेता में जाने वालों को ना पास ही कहेंगे, जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर संगम पर वही इम्तहान पास करते हैं जैसे अब कर रहे हैं। ड्रामा हूबहु रिपीट हो रहा है। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है, माया
अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है, ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुष्टतर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। चुंबक क्या करता है, और जितना पावरफुल होगा उतना ज़्यादा दूर से खींच लेगा। बाबा कहते इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं, बायोस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं। बाबा ने एक बार साकार बाबा के समय पर एक बहन ऐसे कोई चप्पल पहन के चली गई तो जब बाबा ने पूछा ये किसकी है, तो उस बहन ने कहा मेरी है। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, इस चप्पल को पहनकर तुम अगर कहीं भाषण करने जाओगी तो लोग तुम्हारा भाषण नहीं सुनेंगे, क्या देखेंगे, किसमें उनकी बुद्धि जाएगी। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ हमको धारण नहीं करनी है जो किसी की भी बुद्धि हमारे शरीर की तरफ आकर्षित हो, आकर्षण नहीं हो उसमें उसको। बाबा कहते इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं, बायोस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं, सीखे सारे आजकल बच्चे फैशन कहाँ से हैं, सिनेमा से ही तो सीखे हैं, फिल्मों से सीखे हैं, एक्टर्स जो करते हैं, एक्ट्रेस जो करती हैं। बाबा कहते आगे ये बायोस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है ना, जैसे वो बायोस्कोप है, फिल्म है, हर 3 घंटे के बाद शो होता है ना, 3-3 घंटे का, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक होता है, तो हर 3-3 घंटे का उसका शो होता है। तो हर शो में वो फिल्म एज इट इज़ रिपीट होती है। तो इससे बाबा क्या कह रहे हैं, हम ड्रामा का एग्ज़ाम्पल अच्छा दे सकते हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्ट बन गया है, वहाँ तो यह साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है, वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता, कितना सुख देती है, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं हैं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं, माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब हैं हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है, सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी, जास्ती गिरे हैं अब तो चढ़ना ही है, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। ब्राह्मण आत्माएं है ना, रियलाइज तो होता है, और रियलाइज होता है तो फिर से पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है, उनको फिर ठिक्कर भीतर में कह देते हैं, कितना अज्ञान है। भल शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं हैं कि वह ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है,
माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो सजा भी हो जाती है ना। बाबा तो क्या कहते हैं कि बच्चे सच्चाई से क्या होता है, आधा माफ़ हो जाता है। बाबा कहते हैं अच्छा आप कोई ऐसी बात है, आपको लगता है कि कोई भी हमारी बात को न सुने ना देखे। अच्छा बाबा का कमरा है, उसमें चिट्ठी लिखो डाल दो, अपना नाम मत लिखो, बता दो बाबा को, तो आधा माफ़ हो जाएगा। सजा के समय तौबा तौबा करते हैं। कोई भी मनुष्य जब उसके सामने परिस्थिति आती है भोगना की, तब उसके मुख से निकलता है हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं सजा के समय तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं तो तौबा तौबा करते हैं, कान पकड़ते हैं ना, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। यह है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते हैं, कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात होगी तो कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, जो बीत गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। बाबा कहते फिर समझाते हैं आगे ऐसा ना हो। श्रीमत और आसुरीमत, यह ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना। फिर समझाते हैं फिर बेहद का बाप भी है। हद के बाप की भल कोई ना माने, बेहद के बाप ने इसे ब्रह्मा को निमित्त बनाया है, तो इनका जरूर मानना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती है। समझना चाहिए यह है ईश्वरीय मत। बाप कहते हैं इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। आप आंख बंद करके श्रीमत का पालन करो। श्रीमत में क्यों क्या ऐड नहीं करना है, एज इट इज उसको पालन करना है। बाबा कहते बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, कोई राय अगर वो दे रहा है तो उसका अनुभव भी है। कितने गाली खाई है, बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। झूठी चलन चलने वालों की रक्षा नहीं होती है, उनके लिए सजा कायम हो जाती है। माया नाक से पकड़ लेती है, बच्चे जानते हैं माया खा गई, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। समझे बाबा क्या कह रहे हैं, कुछ भी हो पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, कब पाएगा, भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है, यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, अगर याद में रहें तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। यह माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से यह हो गया, फिर सच नहीं बताते, इज्जत का डर रहता है, गुटखा खाते रहते हैं। हाँ कोई युगल हैं तो समझते हैं, एक ने बताया तो हम भी बता दें, डर रहता है ना, उसने तो बता दिया मैं नहीं बताऊंगी या बताऊंगा
तो बाबा क्या सोचेंगे, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं, जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। किसी को कोई भी ऐसा कुछ जख्म हो गया है, सर्जन से छिपाएंगे तो इलाज कैसे होगा। इसीलिए जब सर्जरी के लिए जाते हैं तो बिल्कुल उसके आगे हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, डू एनीथिंग विद मी, समझे। तो सर्जन के पास आए तो अपने आप को क्या कर दो, सरेंडर कर दो, जो है जैसा है अभी आप जाने, बता दो उसको सच्चाई से। बाबा कहते तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं, जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। यह आंखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं हैं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते। बाबा विशेष जो निर्मला दीदी हैं हमारे ज्ञान सरोवर की, उनको कहते थे निर्मल आश्रम, समझे, सिवाय बाबा के मन बुद्धि कहीं नहीं लगाया हुआ है। बाबा कहते जैसे पतिव्रता स्त्री की कब कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाती है, तो बाप समझाते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने फलाने में यह खूबी है, इनमें यह है, तब नंबर वार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। बाबा तो सब जानता ही है ना, बाबा नहीं जानता है तो कौन जानेगा, फिर तो कोई भी नहीं जानेगा, बाबा तो जानता ही है। तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, शिव बाबा के पोतरे और पोतरियाँ, दादे से वर्षा जरूर मिलना है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है, बाप खुद कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए अब मेरी श्रीमत पे चलो। अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य बल अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु यह है अल्पकाल का सुख। उन्हों को बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएं हैं उन्हों को साहूकार बना देता हूँ। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते हैं तो विजय माला में आ नहीं सकेंगे। यह तो बेहद के बाप के साथ सौदा करना होता है, एक्सचेंज ऑफर है ये। पुराना एसी दे जाओ और नया एसी ले जाओ, पुराना कूलर दे जाओ नया कूलर ले जाओ, पुराना घर दे जाओ नया घर ले जाओ, पुराना शरीर दे जाओ नया शरीर ले जाओ, पुराने जेवर दे दो नए जेवर ले जाओ, पुराने नोट दे दो नई गड्डी ले जाओ, ये ऑफर है बाबा की। तो बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, बाबा यह सब तो मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। यह सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, यह राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। बाबा कई बार मुरलियों में ये कहते हैं कि बच्चों को ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को कुछ देते हैं,
क्योंकि कोई भी हथियार पवार है नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक बन नहीं सकते हैं। ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही नहीं है। सच्चा सच्चा राज योग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो राजयोग से परम पिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबर वार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है। फूल बन खुशबू देनी है। दूसरा है, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। पढ़ाई किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। आज्ञाकारी बनना है। आज का वरदान है, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। जो बाबा ने वरदान दिया उसको बार बार याद करो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। और आज का स्लोगन है, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अटेंशन को क्या बना लो, अपनी नेचुरल नेचर, तो टेंशन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज का होमवर्क है, अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग कर स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन, सबको सम्मान देते चलो। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना, यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का व स्वयं के सहयोग का खजाना आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। इसलिए क्या करना है, विनाशी मान का त्याग कर अपने स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन, सबको सम्मान देते जाना है। समझे? और बाबा क्या कहता है, बच्चे जितना सम्मान देंगे उतना आपको सम्मान मिलेगा। और सम्मान देने और लेने की विधि क्या है, स्वमान में रहना और निर्माण बनना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
प्रभु धन्यवाद तेरा।